मौजूदा हुकूमत का एक और माली साल इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन आवाम को महंगाई से छुटकारा ना मिल सका। गुज़िश्ता माह 8.82% इजाफे के बाद महंगाई की महाना शरह 8.59% हो गई। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक जून में अंडे 22%, टमाटर 13%, आटा 12%, सब्जियाँ 4%, जबकि मसाला जात 5.4% तक महंगे हुए। कपड़े और चिकन की कीमतों में 1.5 से 2% तक इजाफा हुआ। अलबत्ता प्याज 17%, दाल चना 5.84%, दाल माश और दाल मूंग के निर्ख तकरीबन 3% तक गिर गए। फल 4.36 और बेसन 4% तक सस्ता हुआ। जुलाई से जून तक महंगाई की औसत शरह 10.74% रही, जो गुज़िश्ता 5 साल में सबसे ज़्यादा है। सालाना आदाद शुमार के मुताबिक आलू 72%, मुख्तलिफ दालें 50% तक महंगी हुई। घी 25%, चिकन 18% और चीनी की कीमत भी 15% तक बढ़ गई। माली साल 2018-2019 के मुकाबले में रेस्टोरेंट और होटल के किराए 9% तक बढ़ गए। एक साल में सेहत की सहूलियात 9.26%, तालीम 2% महंगी हुई। ताहम गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तामीराती सामान 12%, फर्नीचर 10%, मोटर फ्यूल 28% सस्ता हुआ। टमाटर की कीमत में 23%, जबकि बिजली के निर्ख में 3% कमी हुई। यानी माली साल 2019-2020 महंगाई के तूफान का साल साबित हुआ है।